जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के बारे में बताया है। अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी भी मात नहीं खा सकता। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ये चार बातें जीवन में कभी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई वो चार बातें जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो चाणक्य जी कहते हैं, अपना दुख किसी को ना बताएं। बहुत से लोग अपनी छोटी छोटी परेशानियों को हर किसी के साथ साझा कर देते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसा करना सही नहीं होता। अपने दुख, दर्द और तकलीफें बताकर हम अपना बहुत ही बड़ा नुकसान करते हैं और दूसरे लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वह आपके दुख दर्द को समझें। ये लोग आपके सामने आपको तो सांत्वना देंगे, लेकिन आपके जाने के बाद आपका मजाक बनाने लग जाएंगे। अपने दुखों और तकलीफों को सिर्फ उन्हीं लोगों को बताएं जो आपके बहुत ही करीबी होते हैं और जिन पर आपको पूरा विश्वास होता है। दोस्तों, अपमान को साझा ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमें अपने जीवन में हुए अपमान को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जब हमारा मजाक बन जाता है। अगर आपका भी जीवन में कभी अपमान हुआ है तो उसे हमेशा गुप्त ही रखें। अगर आप उस घटना के बारे में लोगों को बताएंगे तो लोग आपका मजाक ही बनाएंगे। जीवन में बहुत ही कम लोग हमारी कद्र करते हैं। तो दोस्तों, घर परिवार की बातें किसी के साथ साझा ना करें। चाणक्य बताते हैं, जब हम घर की बातें लोगों के साथ साझा करने लगते हैं तो हमारे घर की छोटी से छोटी बात बाहर वालों को पता लग जाती है, जिसका फायदा उठाकर लोग षड्यंत्र कर घर में कलेश पैदा करते हैं। विशेषकर किसी व्यक्ति के साथ अपनी पत्नी के चरित्र की बातें कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी का सीधा संबंध पति के साथ होता है और पत्नी के अपमान का मतलब है पति का अपमान। दोस्तों, अपनी आर्थिक स्थिति। जीवन में कई बार हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती और कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हम धन दौलत से हाथ धो बैठते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार हमें ऐसे समय में अपने हालात कभी भी किसी को बताने नहीं चाहिए। अपने खोए हुए धन की अगर हम हर जगह चर्चा करेंगे तो लोग मजाक बनाने लग जाएंगे। मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में हमें नए सिरे से मजबूती से काम की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार जिस स्त्री में ये तीन गुण होंगे वो आपका जीवन खुशियों से भर देगी। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो तीन गुण। दोस्तों, नंबर एक, सबका सम्मान करने वाली। दोस्तों, स्त्री सबका सम्मान करने वाली होनी चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार युवती ऐसी चाहिए जो अपने अयोग्य के व्यक्तियों से प्रेम करे और अपने बड़ों के प्रति आदर सत्कार करे। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, धार्मिक प्रवृत्त। चाणक्य नीति के अनुसार शादी से पहले जीवन साथी के बारे में हमेशा यह पता लगाना चाहिए वो धार्मिक है या नहीं। धार्मिक व्यक्ति हर पल अच्छा कर्म करता है। धर्म कर्म में गहरी आस्था रखने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी हार नहीं मानता है। दोस्तों, धैर्यवान जीवन साथी। चाणक्य नीति के अनुसार जीवन में धैर्य होना अति आवश्यक है। एक अच्छे जीवन साथी के अंदर धैर्य जैसा आवश्यक गुण होना आवश्यक माना जाता है। जो महिला विपरीत समय में भी अपने जीवन साथी के साथ खड़ी रहती है तो उसके पति को जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती है। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, इन तीन तरह की औरतों से शादी करने के बारे में हजार बार जरूर सोच लें, उसके बाद ही शादी करें। तो आइए जानते हैं किस प्रकार की हैं वो तीन औरतें। चाणक्य के अनुसार ऐसी कुछ स्त्रियां होती हैं जिससे पुरुषों को शादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, स्त्रियों की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है। यदि कोई पुरुष सिर्फ सुंदरता के आधार पर ही उससे विवाह कर लेता है तो हो सकता है कि उसे बाद में पछताना पड़े, क्योंकि सुंदर काया होने के बावजूद हो सकता है कि उनका मन काला हो। तो दोस्तों, चाणक्य ने बताया है, अच्छे संस्कारों वाली महिला घर को स्वर्ग बना देती है और वहीं बुरे संस्कारों वाली स्त्री परिवार में तनाव पैदा करने का कारण बन जाती है। इसीलिए ऐसी स्त्री से विवाह करने से बचना चाहिए। जो महिला शादी के बाद हमेशा रिश्तों को तोड़ने की बात करती है, ऐसी स्त्री परिवार के प्रति हमेशा नकारात्मक विचार रखती है और परिवार को दुख पहुंचाती है। इसलिए ऐसी स्त्रियों से बचकर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार ज्यादातर महिलाओं में धन को प्राप्त करने की मंशा होती है। उन्हें धन और सोने के आभूषण के प्रति खास लगाव रहता है। धन के लालच में कुछ स्त्रियां सही गलत का भेदभाव भूल जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल वचन। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए
कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।